अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आप क्या समझते हैं कि यूआरएल कैसी होनी चाहिए? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि वहाँ से हम देखते भी जाएँ। मिसाल मैंने लिखा है एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान, ऊपर स्पॉन्सर्ड आ रही है, नीचे ये आई क्रिएटर्स आ रही है। Nowadays, search engine. अगर आप इसकी यूआरएल देख रहे हैं तो ठीक है, वरना ये मैं कॉपी पेस्ट करके ये यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने यूआरएल में लिखा है एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान। पहली चीज ये है कि ये सारी आपकी जो है वो जो भी कीवर्ड्स होंगे वो स्मॉल में होंगे, कैपिटल में नहीं होंगे, ये स्मॉल में। जी सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैं दोबारा। ये शेयर नहीं कर पा रहा मैं दोबारा से, एक मिनट। ठीक है, तो यूआरएल जो होगी वो स्मॉल लेटर्स होगा, कैपिटल नहीं होंगे। दूसरी ये है कि जो आपकी यूआरएल होगी उसमें वर्ड्स, हर वर्ड्स के बाद हाइफ़न या माइनस की निशानी होगी, अंडरस्कोर नहीं होगा, या मिला के आपने नहीं लिखने हैं उसको, थोड़ा जो है ना अलग अलग करके। मिसाल मैंने लिखा है एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान, एसईओ फिर माइनस की निशानी, फिर सर्विसेज फिर माइनस की निशानी इन पाकिस्तान। ये मैं आपको URL आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ये मैंने आपके साथ URL शेयर की। आखिर में जो .ASP एक्सटेंशन है, ये जो है ना वो किस टेक्नोलॉजी वेबसाइट बनी हुई है उसकी है, तो इसको आप छोड़ दें। बाकी जो है डोमेन नेम के बाद जो है एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये देखें, ये मैंने अपना मेन कीवर्ड भी इसमें डाल दिया है, इसको स्मॉल केस लेटर भी लिखा में भी किया है, और हर वर्ड के बाद मैंने हाइफ़न या माइनस की निशानी दी है ताकि गूगल को या जो सर्च इंजन है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं उस पे, क्योंकि ये मेनली जो है कीवर्ड रिसर्च ऑन पे जो टेक्निकल इन चीज़ों को देखते हुए, अब आगे जो है ना
एक ऑफ पेज एसईओ है उसकी तरफ नेक्स्ट वीक बढ़ेंगे, मगर उस बढ़ने से पहले जो है आपकी तमाम जो है जिन जिन की भी मेरे पास असाइनमेंट्स आ चुकी हैं वो मेरे रिव्यू के प्रोसेस में हैं, काफ़ी रिव्यू हो चुकी हैं। तो अब मैं जो है एक पेड टास्क जो है ना आपको दूंगा, उस काम के जो है मैं आपकी ये जो असाइनमेंट्स हैं उसके बेसिस पे मैं आपको पेड टास्क असाइन करूंगा, होपफुली मैं आपको कल असाइन कर दूं अगर टाइम ने इजाज़त दी मुझे, तो मैं आपको जो है वो कल तक असाइन कर दूंगा टास्क। वो पेड टास्क होंगे, उसके जो है आपको चार्जेस मिलेंगे, आपको पेमेंट मिलेगी, ताकि एटलीस्ट आप जो है फाइबर के थ्रू अगर आप लेना चाहें मुझसे काम, या डायरेक्टली जो है आप मुझसे लेना चाहें, मैं आपको काम दूंगा और उसके बेसिस पे जो है आप वो काम डिलीवर करेंगे मुझे। तो मैंने वो सारी चीज़ें देख ली हैं जो जो असाइनमेंट्स मेरे पास पहुंची थी कल तक, और उनको रिव्यू किया है और उनको प्रायोरिटाइज किया है, और उनमें से कुछ लोगों को मैं ऑफ़र दे रहा हूँगा, और उस ऑफ़र के बेसिस पे जो है ना हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अभी बाकी चीज़ें जो है ना, दो मेन चीज़ें रह गई हैं जिनको हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट चैप्टर्स में, ताकि फिर हमारा ये सारी चीज़ें क्लोज हो जाएं। एक तो जो है ना सर्च कंसोल टूल जो है गूगल का, एक उसको डिस्कस करना है, एक गूगल की अपडेट्स को डिस्कस करना है हमने, गूगल की जो अपडेट्स आती रहती हैं वो कहाँ से हम देखें कि भाई कौन कौन सी नई अपडेट आई हैं। तीसरी चीज़ हमने ऑफ पेज एसईओ डिस्कस करनी है। चौथी चीज़ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हार्मफुल होती हैं, जो सही नहीं होती हैं एसईओ में, जो नेगेटिव इम्पेक्ट देती हैं हमें अपने एसईओ में, तो उन सारी चीज़ों को हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो अभी इस चीज़ को थोड़ा मैं हूँ ट्रैवलिंग में हूँ, मैं रास्ते में हूँ जो है, मैंने ये अरेंज की थी इंटरनेट ताकि एटलीस्ट थोड़ा इतना चल जाए ताकि हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, और फिर यहाँ से जो है मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दूँ और फिर आगे बढ़ें हम जो है नेक्स्ट उसके लिए। जुल्फकार का मैसेज है कि सर मैं अभी आया हूँ, आपको किसकी असाइनमेंट अच्छी लगी है? जी हाँ, वो मैं सारी रिव्यू कर चुका हूँ और जो है उनको प्रायोरिटाइज करके मैं जो है शायद कल तक या फिर इसी वीक के अंदर ही मैं उनको जो है जिन जिन की जो है ना टॉप मुझे लगी है उनको मैं ऑफर दूंगा पेड टास्क की, पेमेंट के का टास्क होगा, चाहे वो फाइबर के थ्रू आप मुझसे लें, चाहे आप जो है वो मुझसे जो है वो डायरेक्टली लें, वो मैं आपको दूंगा। तो वो जो है इंशाल्लाह कल तक या फिर जो है ना इस वीक के अंदर जो है वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास इंटरनेट का भी थोड़ा इशू है, मैं ट्रैवलिंग में था, मैं रास्ते में, तो मैंने कहा एटलीस्ट आपसे बेसिक डिस्कशन कर लूँ, यूआरएल कैसी होनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर ली, और फिर ये डिस्कस किया कि हम मैं जिन जिन की असाइनमेंट्स मुझे अच्छी लगी हैं और उनको मैं जो है टास्क दे दूंगा। अगर कोई कोई क्विक क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं अभी। आप कह रहे हैं कि फाइबर के थ्रू कैसे, फाइबर के थ्रू जो है आपको मैं असाइन करूंगा, आप अपनी जो है ना आईडी शेयर करेंगे मेरे साथ जो है ना, जहाँ पे आपका जो प्रोफाइल बना हुआ है उसको मैं इनवाइट करके उसको मैं टास्क दूंगा, और उस पेमेंट पे और उसके बाद जो है ना वो करेंगे और उसके थ्रू दूंगा। उसामा कह रहा है कि सर अपना रिव्यू दें असाइनमेंट के मुतालिक। जी हाँ, मैं रिव्यू आपको यकीनन दूंगा सारी असाइनमेंट्स के मुतालिक जो कि मैंने कल या फिर कमिंग वीक में रखा है। ठीक है, अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो इससे पहले कि जो है ना मेरी नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, हम जो है फिर यहीं पे इसको करते हैं, एंड करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह जो है मैं आपको इस नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना जो भी असाइनमेंट्स आई हैं उसकी बेसिस पे मैं आपको जो है वो टास्क असाइन करूंगा और बताऊंगा दूंगा कि पहली पोजिशन पे किसकी है, दूसरी पे किसकी है, और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा।
जुल्फकार कह रहा है कि मैंने यस्टरडे बनाया है, गिग बनाई है, आई हैव गॉटन 4 इम्प्रेशंस एंड 2 क्लिक्स। अच्छा, इसका मुझे नहीं आइडिया ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, तो मेरा जो है इसका फाइबर और इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि जो है ना इम्प्रेशन और इस पे अच्छे हैं या कैसे हैं, तो उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जुल्फकार कह रहा है कि फर्स्ट वाले वाले को टॉप को पेड टास्क मिलेगा या टॉप 3 को। मुझे जितने भी इनमें से अच्छे लगे, जिनका काम अच्छा लगा, उन सबको भी मैं दे सकता हूँ। मैं रिव्यू करूँगा उनमें, जितने के भी मैं देखूँगा कि जिन्होंने सही समझा है चीज़ें और वो कही हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और जो है ना 2 भी हो सकते हैं।